और यहाँ पे गाइज मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं नदी इतना ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी बही हुई है कि वहाँ पे। हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं अपने गांव का घर आया हूँ और समय अभी दोपहर का करीब 1:30 बज चुका है और अभी जाने का प्लान है हमारा। बहुत ही एक फेमस टेम्पल है हमारे घर से, लगभग लगभग अप्रॉक्स 10 किलोमीटर के आसपास यहाँ से डिस्टेंस है, तो वहाँ जाने का विचार है। साथ ही साथ अभी हमारे गांव में चर्चा हो रही है कि नदी में बाढ़ आ रही है, तो हमारे घर के पास ही नदी है लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो वहाँ भी चलते हैं। नदी में कितना पानी अभी है, कितना बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें आपको मैं आगे इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉग में आप बने रहें और आगे जरूर लास्ट तक देखें। तो फिर चलता हूँ मैं और आगे आपको। जब ये मेरे साथ जाने वाले हैं, ये इनका नाम कुंदन हुआ और ये मेरे सिबलिंग्स हैं और आगे अब चल रहे हैं, फिर आपको मैं आगे। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग नदी की जो बांध है वहाँ से कुछ एरिया को देखेंगे, फिर नदी को भी देखेंगे कितना पानी आया हुआ है। तो नदी को देखने के लिए हमें पुल पे जाना पड़ेगा। हमारे घर के बगल में ही पुल भी है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो सिटी है उसको हमारे गाँव से कनेक्ट करता है। तो चलिए अभी निकल चुका हूँ और जल्द ही अपने बांध पे पहुंचने वाला हूँ। फाइनली बांध पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं अभी बांध पे हमारी गाड़ी चढ़ रही है। और ये देखिए, ये बांध पे आ गया हूँ। तो अभी बांध के नीचे ज़रा चलते हैं, अभी खेत वगैरह में क्या क्या चीज़ है उसको भी देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं बांध के नीचे भी हमारे यहाँ खेती की गई है। अभी दोनों तरफ मक्का की खेती की गई है, आप देख सकते हैं इधर भी मक्का है और इधर भी यहाँ धान की खेती की गई है, मक्का है। और गाइस मैं आपको दिखा दूँ आगे, वहाँ पे बांध के नीचे यानी बांध और नदी के बीच में भी बहुत ही सुंदर बेहतरीन दो मंदिर है। वहाँ पे एक शंकर जी की, पार्वती जी के और भी मंदिर है। तो चलिए वहाँ पे मैं आपको चलता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है और इधर पार्वती जी का है। तो सबसे पहले हम लोग शंकर जी के मंदिर में चलते हैं और वहाँ पे भी अभी हाल फिलहाल में बंद करके ये तैयार हुई है। पहले ये छत ऊपर वाला नहीं था बट मंदिर बहुत पहले से है। देख सकते हैं आप वीडियो के अंदर, ये मंदिर है। और यहाँ से मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, आप इधर देखिए, सिर्फ खेत ही खेत, पानी वगैरह थोड़ा बहुत दिखता है, बाकी इधर एक भी आपको घर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये आउट ऑफ विलेज एरिया है जहाँ पे सिटीजन नहीं रहते हैं। ये पूरा ओपन एरिया है जहाँ पे खेती वगैरह की जाती है। बाढ़ के टाइम में ये पूरा पानी से ढका रहता है, तो पानी आना लगभग स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ से नदी गाइस यहाँ पे सीधे यहाँ पे ईस्ट में पड़ता, ईस्ट नहीं, ईस्ट में हम लोग हैं, अभी वेस्ट में पड़ता है। इधर वेस्ट में नदी है जिसकी नाम बुढ़ी गंडक नदी है। तो चलिए अभी तो मंदिर वहाँ पे भी देख लेते हैं, फिर आगे आपको नदी भी दिखाऊंगा कितना पानी है, अभी क्या है उसके बारे में। गाइज ये पार्वती जी का मंदिर है ऐसा कहा जाता है और उधर शंकर जी का मंदिर है। काफ़ी दिनों से मंदिर है और अभी हाल फिलहाल में बंद करके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है मंदिर का और माता जी से हम लोग यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सामने बना हुआ है ये मंदिर है। आप देख सकते हैं इसके सामने, बिल्कुल सामने शंकर जी का मंदिर है और उनके सामने ये पार्वती जी का मंदिर। तो काफ़ी दिलचस्प मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये। वहाँ पे एक छोटा सा प्लेग्राउंड फील्ड है जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलने आते थे, काफ़ी अच्छा लगता था वहाँ पे क्रिकेट खेलना। और इधर आम के छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं जो आने वाले दिनों में बड़े बड़े वृक्ष बन जाएंगे, आम काफ़ी फड़ेगा इसमें। और आम का बगीचा भी इधर बहुत ही ज़्यादा है, आम का बगीचा वहाँ पर है, फिर उधर भी है, उधर बहुत सारे बगीचे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है इधर आकर के, शांति महसूस होती है और साथ ही साथ है, बताओ कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितना शांति महसूस हो रही है यहाँ पे? बहुत अच्छा शांति मिल रहा है, बहुत सुहाना लग रहा है यहाँ पे। तो गाइज कुंदन को भी काफ़ी शांति यहाँ पे लग रही है, बहुत शांत है यहाँ पे, सचमुच फीलिंग आ रही है गाइज। कितना सुंदर नज़ारा, आसमान को देख सकते हैं, फिर यहाँ पे धरती पे नेचुरल पेड़ पौधे, आम के पेड़, बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रही है गाइज। Time is
standing still as I let go of your cold hand. Eyes are red, the lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Yes, I knew it, just ignored it. I let go of your cold. फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग दर्शन कर लिए इस मंदिर का, शंकर जी और पार्वती जी के मंदिर का, और हम लोग वापस जा रहे हैं। अब चलते हैं आपको नदी का व्यू दिखाने, वीडियो में बने रहें। अभी हम लोग निकल चुके हैं नदी को देख, मेन रोड पे पहुँच चुके हैं, और ये मेन रोड है आप देख सकते हैं, जो कि पुल पर जाती है, जिस पर रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। मैं आपको यहाँ से नदी का भी व्यू दिखा देता हूँ, हल्का हल्का दिख रहा है अभी। ये नदी है बूढ़ी गंडक रिवर, और पानी सचमुच बढ़ रही है नदी में, काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ चुकी है। हम लोग पुल पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बूढ़ी गंडक रिवर है, पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पानी की रफ्तार भी काफ़ी तेज है वहाँ पे बीच में, और यहाँ पे पानी बहुत कम रहता है ऐसे, बट अभी बारिश का टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और यहाँ पर नदी कटाव वगैरह नहीं करे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर तार से बांध कर यहाँ पर तक आप जरूर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे नदी कहीं ना कहीं अपना विकराल रूप धीरे धीरे धारण कर रही है। यहाँ पानी का रफ्तार कितना तेज है, काफ़ी ज़्यादा पानी तेज़ी से बह रही है, और पानी काफ़ी बढ़ रही है धीरे धीरे, पानी का लेवल काफ़ी हाई होता हुआ जा रहा है। वहाँ पर देख सकते हैं कोई जानवर भी मरा हुआ है, जिस पर एक कौवा बैठा हुआ है, और यहाँ से देख सकते हैं बांध वो वाली है, वो वाला जो क्षेत्र है ऊंचा, जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो बांध है, और नदी और बांध के बीच में ही इतना डिस्टेंस है, पानी थोड़ा और बढ़ेगा तो बांध धीरे धीरे जा सकती है। और ये भी काफ़ी खतरनाक नदी मानी जाती है, आने वाले दिनों में जब जब बाढ़ आता है तो यहाँ पर बाढ़ जो है बांध को तोड़ता भी है, और कई इलाकों को जलमग्न कर देता है। तो आप देख सकते हैं दूसरे साइड भी नदी का व्यू कैसा है, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हैं एकदम नदी पूरा भरा हुआ है, लबालब दोनों साइड में काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ चुकी है। और यहाँ पे गाइस मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं नदी इतना ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी बही हुई है कि वहाँ पे बांध के बिल्कुल पास चली गई है नदी, बिल्कुल पास। वो घर वगैरह जो देख रहे हैं वो बांध पे घर है, और वहाँ एकदम बिल्कुल पास से नदी बह रही है। पता ना वो लोग कैसे रहते होंगे, उनके अंदर भी दहशत रहता होगा कहीं उनका घर नदी में ना चला जाए। और काफ़ी तेज बह रही है पानी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए गाइस यहाँ पे आपको मैं नदी पुल और पानी वगैरह सब चीज़ दिखा रही है, पानी का लेवल वगैरह सब चीज़। तो चलते हैं फिर, अब जहाँ पे जाने वाले हम लोग मनोकामना देवी मंदिर, चलते हैं वहाँ पे, फिर आपको मैं दिखाता हूँ आगे। कैसे जाएंगे हम लोग, बीच में पूरा पानी पानी है। तो गाइस यहाँ पे फिर से पोपट हो गया, रास्ते बीच से टूट चुके हैं, देख सकते हैं आप बीच में पानी बह रही है। तो कैसे जा पाएंगे हम लोग, रास्ता ब्लॉक हो चुकी है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, गाड़ी यहाँ पे हम लोग पार्क कर रहे हैं, और अभी रास्ते बीच में ही टूट चुकी है। तो देखते हैं कोई अगर दूसरा ऑप्शन होगा तो फिर चलेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं जा पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि रास्ते टूट चुके हैं, जो मेन रास्ते जो वहाँ पे जाती है। तो गाइज हम लोग वापस वहाँ से आ चुके हैं, काफ़ी रात भी हो गई है, तकरीबन 10 बज रहे हैं अभी, और डिनर भी रेडी है, देख सकते हैं आप मस्त चावल और बोड़ी का सब्जी। तो हम लोग डिनर करते हैं और फिर मिलते हैं आप। फाइनली गाइज डिनर हो चुकी है, और आज की इस व्लॉग में हम लोग देखे हैं मेरे गांव का जो बांध है, वहाँ पे बांध और नदी के बीच में जो मंदिर है, दो काफ़ी स्पेशल और शानदार मंदिर था, उसको देखे हैं। फिर नदी का जलस्तर कैसे बढ़ रही है हमारे गांव के पास, वो भी इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया है, और साथ ही साथ वहां जाने वाले थे मनोकामना देवी मंदिर वहां पे, बट नहीं गए जा पाए क्योंकि वहां पे बीच में रास्ता टूटी हुई थी। कोई बात नहीं, फिर भी जब रास्ता सही हो जाता है तो अगली बार हम लोग ज़रूर चलेंगे वहाँ पर, और उसका एक स्पेशल ब्लॉग भी बनेगा, और आप लोग उस ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं। इस ब्लॉग को फिलहाल मैं यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं गाइज बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।